एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग स्टाइलविश वी। वेल, लॉकडाउन का जितना भी टाइम गुजरा है उसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, और मैं अगर पर्सनली अपने स्किल की बात करूं तो मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छे से क्लिक करना सीख लिया है, और आज का वीडियो उसी बारे में है। हाँ, मैं आपको सिखाऊंगी आज के वीडियो में कि मैं अपने पिक्चर्स कैसे क्लिक करती हूँ। बहुत ही सुपर ईजी है। अगर आपके पास ट्राईपॉड नहीं भी है तो उसके बिना भी आप काफ़ी अच्छी क्लिक्स घर पर ही क्लिक कर सकते हैं। साथ में बैकग्राउंड से लेकर आप कैसे उसको एडिट करेंगे, वो सब मैं आपको आज की इस खास वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस द अपडेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझे चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनाने हैं तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं। और बिना देरी करें चलिए शुरू करते हैं आज का खास वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे अपना सेल्फ पोर्ट्रेट कैसे क्लिक कर सकते हैं। सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए आपको सबसे पहले कोई एक लोकेशन डिसाइड करनी है, और पोज डिसाइड करना है कि आपको बैठ कर क्लिक करना है या फिर खड़े होके। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइमर लगा लिया है 5 सेकंड का, और उसके बाद जो मुझे डिजायर पोज बनाना है उसे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेती हूँ। वैसे तो इस तरीके से पोज आप देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, जिसकी बैकग्राउंड भी आप काफ़ी ईजिली चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो अगला पोज है ये पर्सनल मेरा फेवरेट है। इसमें आपने जो भी कोई एक्सेसरी पहनी है उसे फ्लॉन्ट करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, और ध्यान भी ये इजीली अट्रैक्ट करता है। और अब अगली सेल्फी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने फेस को हाइड करके एक मिस्टीरियस पिक्चर क्रिएट करने का, जिसे देखकर बहुत ही आपको प्रोफेशनली इफेक्ट मिलता है। ये वाला लुक अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको अपना एक हाथ सर पर और एक हाथ अपने लैप पर रखना है, और इससे आपके फीचर्स बहुत ही अच्छे से उभर कर सामने आते हैं। और अगर आपको टाइट सेल्फ पोर्ट्रेट का शौक है तो आप इस तरीके का कुछ पोज ट्राई कर सकते हैं, जो हमेशा आपके फेशियल लुक के साथ आपके एक्सेसरीज को भी अच्छे से दिखाता है। और अब अगर आपने गले में नेकलेस पहना है तो ये वाला लुक सबसे बेस्ट रहता है आपकी सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए। गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरी ये पिक्चर क्लिकिंग ट्रिक्स पसंद आई होंगी, और आप पोजेस जो चाहें वो बना सकते हैं। आप कितने भी आउटफिट चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए आप सेम शेड या फिर प्लेन वॉल भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप चाहें तो छत पर जाकर भी क्लिक कर सकते हैं, और बहुत सारे बैकग्राउंड्स आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई भी बेडशीट लगा सकते हैं, कोई दुपट्टा लगा सकते हैं, सारी यूज़ कर सकते हैं, और उससे आप अपने पिक्चर्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो वर्थफुल लगेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पोर्ट्रेट, और आपका कौन सा पिक्चर सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर स्टाइलिंग एंड फैशन अपडेट। माई हैंडल इज़ अ स्टाइलिश शिवी, एंड सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। और मैं आपके साथ कोई और फ्रेश कॉन्टेंट लेकर आऊँगी। आप मेरी वीडियोज़ हर ऑल्टरनेट डे पर देख सकते हैं, एंड आई जनरली मेक वीडियोज रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, प्रोडक्ट रिव्यू एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल एंड ब्यूटी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हाई दिस साइड शिवानी, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ब्यूटी, फैशन एंड लाइफ स्टाइल अपडेट। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।